नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत राज्य के करीब 50 तीर्थस्थलों का प्रबंधन अब बद्री केदार मंदिर समिति करेगी, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री स्थानीय पुरोहितों की समितियों द्वारा संचालित किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खोले जाएंगे। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से 2 मई को केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के छात्रों की मदद के लिए वहां के इस्कॉन मंदिर और गुरुद्वारे आगे आए हैं। यहां छात्रों को मुफ्त खाना मुहैया कराया जा रहा है। इन्होंने अपने नंबर भी जारी किए हैं जहां मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। कोरोना के प्रतिबंधों को हटाने के बाद दिल्ली में मंदिरों को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन मंदिरों में दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। 10 मार्च को वृंदावन में होगा कलयुग में दान की महिमा का आयोजन। 18 मार्च तक चलने वाली कथा में पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को दान कैसे करें और किन लोगों को दान करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। आप सुबह 9:30 से सत्संग चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। 12 मार्च से हिताश्रम वृंदावन में मनाया जाएगा होली महोत्सव। 16 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में पूज्य हित अमरीश जी लोगों को अपने प्रवचनों से भक्ति मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगे प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका तीर्थ स्थान पुष्कर का होली महोत्सव इस बार बिना किसी पाबंदियों के आयोजित होने जा रहा है। पुष्कर की होली में शामिल होने के लिए विदेशी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। 10 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होने के साथ ही आयोजन स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच झंडारोहण किया जाएगा। बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र हिमाचल के धर्मशाला में स्थित दलाई लामा मंदिर को 2 सालों के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अन्य मंदिरों को भी खोला जा सकता है। बिहार में अब पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके तहत प्रशासन की ओर से पर्यटन स्थल क्षेत्रों के सभी थानों को विशेष ऐप से जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटक कोई कठिनाई होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकें। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इंदौर में स्थित ओंकारेश्वर, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने दीक्षा ली थी और यात्रा की शुरुआत भी की थी। अध्यात्म की नगरी ओंकारेश्वर में जगत गुरु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों पर है। उज्जैन के मंगलनाथ और अंगारेश्वर महादेव मंदिर में भात पूजा का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शिवरात्रि और उसके अगले दिन मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भात पूजा को बंद कर दिया गया था। 5 मार्च से खाटू श्याम राजस्थान में श्री श्याम संकीर्तन और फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 13 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में श्रद्धे मनुश्री जी रतनगढ़ वाले लोगों को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। कोलकाता के हुगली में स्थित विश्वविख्यात मंदिर तारकेश्वर को 3 सालों के बाद इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर फिर से खोल दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित साईं बाबा मंदिर में अब भक्त सुबह और देर रात आरती में शामिल हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित ऐतिहासिक शेरपुर का धार्मिक महत्व भी है। इस जगह कई प्राचीन मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में 5 गर्भगृह हैं, जिनमें से 4 में पूजा के लिए 4 अलग अलग प्रकार के शिवलिंग हैं, जिनमें क्रमशः सफेद, लाल, पीले और काले रंग हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए 48 घंटे के लिए मंदिर के कपाट खुले रहे। महाशिवरात्रि के बाद बुधवार सुबह मंदिर के कपाट कुछ समय के लिए बंद किए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा का ओंकारेश्वर मंदिर, जहां पूरे दिन भ्रमण के बाद भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम के लिए आते हैं। नर्मदा नदी के मध्य ओंकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि पर यहां शिव भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है। शिवरात्रि के मौके पर नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिसमें से भारत से करीब 1 लाख श्रद्धालु थे। झारखंड के रामगढ़ में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां 24 घंटे और 7 दिन भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। टूटी झरना के नाम से मशहूर इस मंदिर में खुद मां गंगा भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। काशी के बाद अब देश के लगभग सभी उपेक्षित मंदिरों का एक डेटा तैयार किया जा रहा है। देश भर के ऐसे उपेक्षित मंदिरों में भी भोग आरती की राशि और पुजारियों को मानदेय देने की योजना बनाई जा रही है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें।
लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 पे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।